जिला पंचायत सदस्य राजा पत्रकारिता आधुनिक जीवन का एक बेहद जरूरी अंग है। खासकर लोकतंत्र में पत्रकारिता के पास अपार शक्ति और जिम्मेदारियां होती है। मैं दर्शक साथी जो है आपसे भी मैं चाहता हूं कि आप सभी भी अपना हाथ सामने ऐसा रख लेंगे। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। धन्यवाद साथियों, आप सभी ने जय जय जिंदाबाद। जितेंद्र जायसवाल जी, नारायण बैंक जोहार छत्तीसगढ़ धर्मजयगढ़ से। हमारे बीच हमारे पत्रकार संपादक महोदय हैं जो जितेंद्र जायसवाल जी, उनके स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगी प्रेस क्लब के अध्यक्ष अशोक भगत जी को, आकर फूलमाला से उनका स्वागत करेंगे अशोक भगत जी। और तालियां भी थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए भाई, क्या बात है, ऐसे ही बनी रही है हमारे साथ। और नारायण बैन जी के स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगी चंद्रशेखर जायसवाल जी को, और जितने भी हमारे अतिथि हैं, जितने भी हमारे अतिथि हमारे बीच आए हैं, समय निकाला है और उनके लिए थोड़ी थोड़ी तालियां, जितने लोग दे रहे हैं सभी के लिए एक बार तालियां चाहूंगी आप सभी से। चंद्रिका कुशवाहा जी के स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगी उमेश अग्रवाल जी को। चंद्रिका कुशवाहा जी के स्वागत के लिए उमेश अग्रवाल जी से आग्रह है कि बुके देकर इनका सम्मान करें। नरेंद्र मिश्रा जी के स्वागत के लिए आदित्य जिसे आग्रह है कि आप आएंगे, आदित्य वाजपेयी जी। राज पटेल जी से आग्रह है कि नरेंद्र मिश्रा जी का फूलमाला से स्वागत करेंगे। अशोक भगत जी प्रेस क्लब के अध्यक्ष जी से मैं आग्रह करती हूँ कि जितेंद्र जायसवाल जी को संविधान पुस्तिका देंगे। नारायण बैन जी को, राकेश जायसवाल जी, नरेंद्र मिश्र जी को आदित्य वाजपेयी जी संविधान की पुस्तिका देंगे। विनय गोयनका जी भी आते हैं, इन्हें भी संविधान की पुस्तिका भेंट करनी है। क्या बात है, स्वतः ही तालियां बज रही है, ऐसा होना चाहिए और ऐसे ही कार्यक्रम की गरिमा बढ़ती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम के साथ ऐसे बने हुए हैं अपनी तालियों के सहयोग के साथ। चंद्रिका कुशवाहा जी को संविधान की पुस्तिका भेंट करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ गोयनका जी।
ले लूंगा के सभी मित्रों को श्रीमती गुमती साहब की तरफ से कोटि सर बधाई। उनका आज एक सुबह 8 बजे कार्यक्रम बन गया, इस वजह से वो नहीं आ पाई। आप सभी प्रेस वालों से क्षमा चाहिए। स्वागत बताना चाहूंगी हमारे बीच है प्रेस क्लब के अध्यक्ष अशोक भगत जी। आज के इस कार्यक्रम के लिए दो शब्द अपने उद्बोधन में बोलेंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय मंचस्थ अतिथिगण, हमारे प्रेस के सम्मानित संपादक गण, दूर दराज से आए हुए हमारे पत्रकार साथी, तमाम पंडाल के नीचे बैठे हुए जो हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको भी प्रेस क्लब नेलुंगा की ओर से सादर प्रणाम। साथियों, हम लोग ग्रामीण अंचल में पत्रकारिता करते हैं, पिछले कई वर्षों से पत्रकारिता करते हुए हम इस क्षेत्र की विभिन्न मुद्दों और समस्याओं से आप लोगों को अवगत कराते रहते हैं। साथ ही आज तक ना ही नेलुंगा में किसी पत्रकारों के लिए कोई छत बन पाया, ना ही कोई छांव मिला है। साथियों, हम भी आप लोग जैसे ही इंसान ही है, जीवधारी प्राणी ही है, कोई अलग से कोई जीव जंतु नहीं है। आप लोगों से हम अपेक्षा करते हैं कि हम भी एक छांव के नीचे हम पत्रकार साथी रहना चाहते हैं। आज तक तो हमें एक छत भी मयसर नहीं हो सका, लेकिन हम अपेक्षा करते हैं कि शायद किसी के कान तक आवाज सुनाई दे, ताकि हमारे पत्रकारों का दुख दर्द और उन समस्या को ध्यान दें। साथियों, इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। साथ ही इसके बाद हमारे छत्तीसगढ़ के क्रांतिकारी पत्रकार माननीय जितेंद्र जायसवाल जी, हम समय आग्रह करता हूं कि आकर उनको संक्षिप्त हमारे पत्रकार साथियों के लिए संबोधित करेंगे। धन्यवाद। बहुत पका दिया इन लोग ना, थोड़ा सा मस्ती कर लिया जाए। वो लाश छोर में जो भाई लोग सुन रहा है इतने देर से पके पके बात, थोड़ा सा मस्ती कर लिया जाए। तो सबसे पहले इस कार्यक्रम को अशोक भाई ध्यान दीजिएगा हमारी बातों को। हमने पूरे छत्तीसगढ़ में घुमा, पूरे देश में कई जगहों में घुमा, लेकिन कुछ आदिवासी युवक वहां का अध्यक्ष, प्रेस क्लब का अध्यक्ष नहीं दिखा। पहली बार दिखा, इसके लिए जोरदार तालियां। मैं आने के लिए बड़ा उत्सुक था, इसलिए कि बहुत जगहों में घुमा अशोक भाई, बहुत जगहों में घुमा, लेकिन कई प्रेस क्लब में और बड़े बड़े पदों में बड़े बड़े लोग बैठ जाते हैं, उनकी बात ही बड़ी बड़ी हो जाती है, तो उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर किसी आदिवासी युवक को अध्यक्ष बन के उसके कर्तव्यों को निर्वाहन करते देखा, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पत्रकारों का। यहाँ पे पूर्व और वर्तमान पदों पे बैठे हुए हमारे भाई बहन दीदी का रिश्ता नहीं जोड़ते हैं, लेकिन जो भी है राजनीतिक पदों के लोग सभी को सभी सम्मान्य हैं, सभी को धन्यवाद इस कार्यक्रम को बहुत सुंदर बनाने के लिए, यहाँ पे आकर के समय देने के लिए। आप लोगों से देखिए सवाल मैं बहुत ज्यादा करता हूँ, तो आप लोगों से एक सवाल कर दूं आप लोग ज्यादा छोड़ दूं, अगर नहीं बोलेंगे तो नहीं करूंगा। देखिए क्या है, बुला करके इस तरह का नहीं करते, मतलब एक सवाल है। क्यों अध्यक्ष जी, इजाजत है? एक बार प्रेम से मिले, कलम की ताकत चिंता बहुत, कलम की ताकत चिंता बहुत। मैं जब आ रहा था अंबिकापुर से, काफी लेट निकला था, उसके लिए मैं खेत प्रकट कर चुका हूँ, लेकिन जैसे ही मैं पत्थर गांव के समीप पहुंचा और जैसे ही और फिर इधर क्या बाकरुआ कुछ जगह है वहां से जैसे ही डन लिया यहाँ आने के लिए लूंगा, तो सड़क मुझे समझ में नहीं आया। खुले शब्दों में बोला जाए कि आप लोगों की एकता जैसे मंच में बड़ा अच्छा दिख रहा है, मतलब अच्छा से शोभित हो रहा है, वैसे इन कार्यों के लिए भी हो तो बड़ा अच्छा रहेगा। क्यों भाई, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये मेरे लिए सिर्फ दुर्भाग्य की बात नहीं है, आप यहाँ कैसे इन सड़कों को छेड़ रहे हैं, कैसे यहाँ के लोग इन सड़कों को छेड़ रहे हैं, ये तो समस्या परे है। बस छोटी हूं बड़ी बात मैंने कह दी, इसलिए अगला जो आपका एक सार्थक पहल होना चाहिए मेरे हिसाब से, सड़कों को लेकर के हो, चाहे आप पक्ष में हो, विपक्ष में हो, सत्ता में हो, नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ एकजुट होकर के सभी को एक सुर में आवाज, क्योंकि उसी सड़क से आप भी निकल रहे हैं, आप भी निकल रहे हैं, और वो आप जिनको कोई मतलब नहीं है कि कौन किस पार्टी से है, कौन किस प्रेस से है, उसे कोई लेना देना नहीं है, उनको जरूरत है। तो मैंने पहले ही क्षमा चाहा था आप लोग को, बड़ा अच्छा लगा मेरे को एक मंच में देख करके, और
तहे दिल से धन्यवाद कि मुझे बुलाने के लिए, हम जैसे पत्रकारों को दो शब्द बोलने के लिए। और जितने भी यहाँ पे भाई अशोक भगत जी, आपके टीम में जितने लोग हैं, सभी को दिल से धन्यवाद। और एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा, जितने भी हमारे पत्रकार साथी यहाँ आए हुए हैं, कि आप पक्ष में लिख रहे हो, विपक्ष में लिख रहे हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, लेकिन आप जनहित की खबरों को तवज्जो थोड़ा सा ज्यादा दे देंगे तो ज्यादा भला हो जाएगा, क्षेत्रवासियों का, सभी का भला हो जाएगा। तो इसलिए बस इतना ही बोलना चाहूंगा, बाकी मेरे जैसा पत्रकार कोई ना बने, मैं तो यही बोलूंगा। इससे पहले मैं थोड़ा सा परिचय बताना चाहूंगा कि वर्तमान समय में मैं 1 साल जेल में निरुद्ध था। मेरी गलती मात्र सिर्फ इतनी थी कि मैं जनहित की खबरों को सिर्फ प्रकाशित करता था। तो इसलिए मेरे जैसा पत्रकार मैं किसी को बनने की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन हाँ, जनहित की खबरों को एक जाएगा कि एकजुट होकर के लोग प्रकाशित करें, दिखाएं, बहुत अच्छा, सबका भला हो, जनहित हो, जन का भला। धन्यवाद। बहुत बढ़िया जमीन सर, बहुत ही अच्छे शब्द हैं आपके, और प्रेरित करने वाले शब्द थे जितने भी आपने यहाँ पे बोले हैं। और प्रतिनिधियों के लिए है, संभालो तुम स्वयं संयम। अभी हमारे भैया जी ने हेलो रायपुर वाले, हेलो आपका जवाब दे रहा हूँ, अभी आपका जवाब क्षमा चाहूंगा अंबिकापुर नेता लोगों के लिए, जनप्रतिनिधि के लिए है, क्षमा चाहूंगा। संभालो तुम स्वयं संयम, संभालो तुम स्वयं संयम, पड़ोसी का भला करके और रहेगी चित खुशहाली, किसी की वेदना रखे, वेदना रखे, तभी ये देश, ये गांव, ये शहर हमारा आगे बढ़ेगा। और मैं तो यही कहूंगा कि भारत एक गांव का देश है, गांव हमारी प्राचीन संस्कृति का केंद्र स्थान है, और यहाँ छत्तीसगढ़ का बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। मैं अशोक भगत जी, आपका जवाब जो हाथ उठे थे कभी तेरी हस्ती बिताने को, जो हाथ उठे थे हेलो, जो हाथ उठे थे कभी तेरी हस्ती बिताने को, जो हाथ उठे थे कभी बातें का, हेलो हेलो भगत जी, जो हाथ उठे थे कभी तेरी हस्ती मिटाने को, वही हाथ तुझे आज सलाम करते हैं, सलाम करते हैं, सलाम करते हैं। आप जो विषय रखे अभी दूर संचार क्रांति के द्वारा मुझे जानकारी दिया गया और मिला, इसीलिए आप सभी के बीच मैं घोषणा नहीं कर रहा हूँ, क्षमा चाहूंगा, मैं घोषणा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको अपनी बात रख रहा हूँ। एक प्रेस वालों के लिए एक जो छाया है, एक छत है, उसके लिए सांसद श्रीमती गोमती साहब की तरफ से 15 लाख की बात हुई है, आप उनसे संपर्क करके मिल लीजिएगा और एक बार मुंडाड़ी जरूर आइएगा। पत्रकार साथी मंच पर आ जाएं। फोटो सेशन के लिए सभी पत्रकार मंच पर आ जाएंगे। आप सभी आइए, और जिन्होंने तालियां बजाई हैं इस सॉन्ग के लिए उन्हें भी थैंक्स कहना चाहूंगी, और जिन्होंने नहीं भी बजाई उनके लिए भी थैंक्स, क्योंकि आज बहुत ही सौभाग्य वाला दिन है मेरे लिए जो आप सभी के बीच उपस्थिति देने का मौका मिला।